नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवीज लैब के रिजल्ट्स का। तो हम इनके रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और चार्ट के माध्यम से भी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। साथ ही दोस्तों, इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आइए दोस्तों, ये मैंने इनके रिजल्ट्स डाउनलोड किए हैं बीएसई की वेबसाइट से। तो 10:30 से 12:15 इनकी मीटिंग चली है, उसके बाद उन्होंने रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। तो आइए पहले हम इनके स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को देख लेते हैं। सारे फिगर्स लैक्स में है। तो यहाँ पे आप देखिए, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 174124 लाख से बढ़ के 198571 लाख पे पहुंच गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि इनके रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे रहे हैं और ईयर ऑन ईयर भी काफी बढ़िया रिजल्ट्स लग रहे हैं। 172783 लाख से बढ़ के 198571 लाख हो गए। तो करीब 20 से 25% की इन्होंने डायरेक्ट रेशो में अपने इनकम में इंक्रीज दिखाई है। तो यहाँ ये एक अच्छा फैक्टर था जिसमें प्लस है। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ तो वो भी इनके थोड़े से बड़े हैं अकॉर्डिंगली। तो आइए अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इसमें क्या चेंज आया है। तो यहाँ पे देखिए, 55,000 लाख की इन्होंने अबकी बार प्रॉफिट पोस्ट की है। पिछली बार 48,700 लाख की थी और लास्ट ईयर 49,000 लाख की थी। तो प्रॉफिट्स में भी अच्छा इंक्रीज आया है। तो ओवरऑल दोस्तों, इनके रिजल्ट्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हर जगह इन्होंने करीब इनकम में करीब 20-25% की ग्रोथ दिखाई है और प्रॉफिट्स में भी 10% की ग्रोथ दिखाई है, बोथ YOY और QOQ। और सेम चीज हमें यहाँ पे इनके EPS में भी देखने को मिल रही है। तो इनके ये रिजल्ट्स तो दोस्तों काफी स्टैंड अलोन रिजल्ट्स, तो इनके बहुत अच्छे रहे हैं। आइए अब हम एक बार इनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। तो इनकम में मैं देखूं कि जैसे स्टैंड अलोन में था तो यहाँ पे करीब करीब मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और करीब 10% के आसपास का इंक्रीज दिख रहा है। प्रॉफिट्स की मैं बात करूं तो वहां भी करीब 15% के आसपास की हमें इंक्रीज दिख रही है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, और आफ्टर फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स हमें देखने को मिलेगा तो 55,000 लाख के आसपास है। तो यहाँ भी देखिए, वही जो चीज स्टैंड अलोन में थी, वेरी सिमिलर पिक्चर हमें इनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स से भी मिल रही है। तो ओवरऑल दोस्तों, इनके रिजल्ट्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं और मेरा अंदर से फीलिंग है कि इनका प्राइस पे अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए कि 3300-3400 था ये मार्च में, और अब यहाँ पे ये देखिए कितना भाग चुका है, 5000 के आसपास आ चुका है। मतलब ऑलमोस्ट एक निफ्टी 50 का स्टॉक है और उसके बाद भी ये इतना ज्यादा आपको रिटर्न दे चुका है, कंटिन्यूअसली भागा ही जा रहा है। ये देखिए, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में वरना ऐसी तेजी हमें बहुत कमी देखने को मिलती है। तो अगर आप इस स्टॉक में दोस्तों पोजीशन बनाते हैं तो मेरा मानना है आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखना चाहिए। ये जो इसका रिसेंट का लो था 4650, तो आप 4600 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। और दोस्तों, जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो 5200 के आसपास का पहला टारगेट हम एम करके चलेंगे। बट इस टाइप के स्टॉक को दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रखा जाता है, ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। तो आप अपना इसको खरीद लीजिए, 4600 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट 5200, 5500, 6000 तक भी ये जा सकता है अगले 1 से 1.5 साल में। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करिएगा। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस डिवीज लैब को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई